दोस्तों देख सकते हो आप लोग बहुत ही खूबसूरत से यहाँ पे मतलब बॉलिंग कर किया जा रहा है। तो देख सकते हो लड़का लोग उस तरफ है और लड़कियाँ लोग इस तरफ है। तो ये लोग सभी लोग महाराष्ट्र पुलिस के लिए कोशिश कर रहा है। तो देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शानदार है। तो गाइस जहाँ पे भी हो, असम पुलिस हो, महाराष्ट्र का पुलिस हो, जहाँ पे भी हो कोशिश करते रहिए। कोशिश करोगे तो तब बन पाओगे गाइस। इस तरफ सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, तो देख सकते हो कोशिश करने वाला का कभी हार नहीं होता है, ये तो बिल्कुल आप लोग जानते होंगे। तो कोशिश करते रहिए और पुलिस तो बनिए, हमारा सुरक्षा हमारा देश के लिए सुरक्षित तो बनाए। सो गाइस गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सबको एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। और आप सब कैसे हो, उम्मीद करता आप सब लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और आज मैं फाइनली मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकाल चुका हूँ। तो मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हुए एक चीज मुझे अच्छा लगा, और हमारा टीचर देख सकते हो गाइड कर रहे हैं, तो काफी मजेदार है देख सकते हो। वाओ कड़ाके भाई जबरदस्त, और सभी लोगों का एनर्जी भर पूरे, सभी लोग एक्साइटमेंट के साथ है अभी साथ पे देख सकते हो। तो वीरू कैसा, जबरदस्त तुम कितना मीटर लेके जाते हो बॉल को? मेरा कहाँ से हो भाई? हाँ थाने से ना, लोकल है प्रॉपर। ओके मतलब डिफेंस लाइन के लिए कोशिश कर रहे हो ना? अच्छा अच्छा आर्मी तो पोलीवर। ओके मजेदार। तो दोस्तों साथ में हमारा यंग ब्रदर है, तो पहले मेरे ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। तो वैसे आपका नाम क्या हो गया? संदीप राजू राठौर। और कहाँ से हो आप? परभनी। परभनी, तो आज देखा था बहुत ही खूबसूरत से मॉर्निंग से एक्सरसाइज कर रहे हो, तो किसके लिए ये कोशिश कर रहे हो अभी फिलहाल? स्टेट पुलिस महाराष्ट्र। स्टेट पुलिस मतलब महाराष्ट्र के लिए ना? तो कितना बजे वो सुबह में उठते हो? 5 बजे। 5 बजे से मतलब कितना टाइम रनिंग करते हो? 6:30 से 9 तक। मतलब कितना किलोमीटर? इधर 5-6 किलोमीटर रहते हैं, और लॉन्ग रूट के लिए 10-12। रेगुलर 10-12 किलोमीटर रनिंग कर लेते रेगुलर? वाह क्या बात है, महाराष्ट्र का तो पुलिस बन जाओगे जरूर। बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे जो बॉलिंग ये सब क्या बोलते हैं? गोलाफी। कितना मीटर तक लेकर जाते हैं? आउट ऑफ 8.5 मीटर रहता है मेरा, 8.5 इंदर जाता है। वाह जबरदस्त। और यहाँ पे लॉन्ग जंप हाई जंप ये सब कुछ है? इंटरव्यू में नहीं लेता। इंटरव्यू में क्या क्या लेता है यहाँ पे? इधर 100 मीटर, 1200 मीटर, 5 किलोमीटर, गोलाफी, 4 पुलअप बस हो जाएगा। और रिटर्न एग्जाम है? रिटर्न एग्जाम रहता है हर शनिवार को। हर शनिवार होता है ना? 15 दिन में डेमो। 15 दिन में डेमो हो जाएगा? 15 दिन में डेमो। वाह जबरदस्त। वाला इंटरव्यू कब होने वाला है? होगा पुलिस की अभी 8 तारीख का बाद ही होगा, 4 तारीख के बाद। और यहाँ पे आप लोग शायद कोचिंग लिए हो शायद ना? एक रैंक का नाम बता दीजिए। सहारा करियर एकेडमी थाने। जबरदस्त करते रहिए, मेरा उम्मीद है आप पुलिस बनो अच्छे तरीके से, तो हम लोग सेलेक्ट करने के लिए जाएंगे आपको। भाई गजब है, बढ़िया है। तो अच्छा लगा बात करते हुए, नाइस टू मीट यू। तो आप लोग भी देखिए गाइस ये कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग भी कोशिश कीजिए। हेलो एक्सक्यूज मी मैम, किसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं फिलहाल अभी? पुलिस के लिए, महाराष्ट्र पुलिस के लिए ना? वाओ कितना मॉर्निंग में कितना तक रनिंग करते हो? कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर रनिंग करते हो? वाओ मॉर्निंग कितना बजे उठते थे? 5:30। 4:30। वाओ जबरदस्त है, मतलब जैसे हर भी हाल में मतलब महाराष्ट्र पुलिस बनना ही है पूरा एक्साइटमेंट के साथ। वाओ जबरदस्त है, बढ़िया है, कड़क है। और जितना लोग करना चाहते हैं मेरा फॉलोअर, उस लोगों को बता दीजिए क्या क्या करना चाहिए। नहीं नहीं वो तो करेगा ही, मतलब क्या है पुलिस के लिए क्या क्या है? सुबह उठने के लिए ग्राउंड करना पड़ता है सुबह, फिर गोला फेंक और 100 मीटर रनिंग रहती है, 3 ही इवेंट रहते हैं, बाकी कुछ नहीं। और पढ़ाई तो करना पड़ेगा। हाँ। और हर टाइम पॉजिटिव मेंटेलिटी रहना चाहिए जी, मेंटेलिटी तो बहुत रहना चाहिए। और जो जो लोग 3-4 बार कोशिश करने के बाद मतलब फेल हो जाते हैं, उस लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये करते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होता। वाह बढ़िया बढ़िया जबरदस्त करते रहिए कड़ा के। तो देख सकते हो फिलहाल और लोग से बात करेंगे, तो कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया ना मस्त है शर्मिला क्यों कर रहे हो? आप लोग आज पुलिस में जाने वाला हो, महाराष्ट्र का पुलिस, अभी बात नहीं करोगे तो कैसा होगा भाई? बहन लोग देखो ये अभी फेंकने वाला है, मस्त मस्त ग्रेट। तो दोस्तों मेरे साथ यहाँ का एकेडमी का सार मौजूद है, तो पहले बात करेंगे सर के साथ। तो सर नमस्ते, पहले नमस्कार सर कैसे आप सर?
बस ठीक है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त है। सही, बस जबरदस्त है। तो पहली बार आया हूँ मुंबई में, तो बहुत ही अच्छा लगा। और देखते हुए आज खाने में आप लोगों का जो एकेडमी का जो लोग स्टूडेंट्स लोग अभी मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, और ज्यादा से महाराष्ट्र पुलिस बढ़ने के लिए, महाराष्ट्र यूपी कर्नाटक जलगांव यहाँ बहुत सारे लड़के लड़कियाँ आए हुए, आई हुई यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए आए, आर्मी के लिए आए, पुलिस के लिए आए, नेवी के लिए आए, सब जगह से आए, सब स्टेट के है। तो आप सर मॉर्निंग कितना बजे से स्टार्ट कर देते हैं? ये 6:30 से 9 बजे तक चालू रहता है। 9 बजे तक चलते हैं। और इवनिंग में? इवनिंग में शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक चालू। और मतलब पढ़ाई के लिए कितना बजे? सुबह में 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। आप लोगों का कोचिंग एकेडमी में होता है? हाँ, और आप लोगों का कितना स्टूडेंट है लगभग? लगभग यहाँ पे 50 लड़के तो है अभी फिलहाल। 50 ओनली? हाँ, लगभग कितना स्टूडेंट आप मतलब टीचिंग करा सकते? 250 लड़का लड़की। हाँ, सब लोग एक साथ टीचिंग करा सकते? वाह जबरदस्त। और रिजल्ट भी तो बहुत कड़क से कर रहे हैं, बहुत बहुत बड़ा। और एडमिशन का फीस क्या आता है सर? एडमिशन का फीस ये बच्चे के जैसे कोई गरीब है, कोई अनाथ है, उनके लिए तो फ्री में देते हैं। फ्री में दे देते? अनाथ जो अनाथ आश्रम के लड़के हैं उनके लिए फ्री में है। जिसके माँ बाप माता पिता जो पहले से ही विकलांग है उनके लड़के के लिए भी फ्री में है, खाना रहना सब फ्री में है। और जो यहाँ के नज़दीक के है तो उनके लिए थोड़ा फीस हमने कम से कम रखी हुई है, ज़्यादा भी नहीं। मतलब जो लोग अनाथ आश्रम जिस लोग हैं तो उस लोगों का प्रूफ के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लेते हैं? प्रूफ के लिए कि उनका आधार कार्ड और दो फोटो और एकेडमी का आईडी बना के देते हैं, और जो 10वीं 12वीं का डॉक्यूमेंट है वो सब जेरोक्स हमारे पास रहता है। अगर हमारा आसाम से कोई बंदा लोग आना चाहता है? आसाम के भी दो लड़के हैं यहाँ पे। दो लड़के यहाँ पे आज नहीं आए हो, लेकिन आसाम के भी दो लड़के हैं जो यहाँ पे जॉब करते हैं, और जॉब करते भी यहाँ पे सुबह में एकेडमी के लिए दौड़ने के लिए आते हैं कि आसाम राइफल में हम लोग भर्ती होना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे आते हैं। अच्छा अच्छा, वो लोग लड़का या लड़की है? दोनों लड़के ही है। दोनों लड़के ही है? वाह जबरदस्त है, बहुत ही बढ़िया लगा, अच्छा लगा ये सार का डिसीजन। तो आप जो कर रहे हैं ना अभी सोशल वर्क, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत कड़क कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को मतलब एम्प्लॉयमेंट बना रहे हैं आप, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब आपको मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा सर के साथ भी बात करते हुए। क्या क्या फैसिलिटी मिल रहा है? ये जो महाराष्ट्र में जो सहारा एकेडमी है उनका संस्थापक मैं हूँ, खुद संचालक। और जो गरीब है जिनको ऐसा लगता है दिल से कि मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ, लेकिन गरीब लड़की के पास या लड़की हो उनके पास पैसा नहीं, और प्राइवेट एकेडमी वाले क्या करते हैं फीस ज़्यादा बढ़ाते हैं, 20,000, 40,000, 50,000। वो हमारा नहीं, वो गवर्नमेंट ने मान्यता दिया हुआ है, रजिस्टर है, एकेडमी है हमारा। तो हम लोग गरीब लड़के हैं, उनको अगर पुलिस में जाना चाहता है या फौज में जाना चाहता है तो उनके लिए, जो किसी का माँ बाप विकलांग है तो उनके लिए फ्री में है, अनाथ आश्रम के जो लड़के हैं उनके लिए भी फ्री में है, जो अच्छे हैं मतलब जितना फीस इजीवर मतलब थोड़ा दो, जितना लगेगा उतना है, क्योंकि हमको रिकॉर्ड आगे देना पड़ता है। एडमिशन का फीस कितना है? अमाउंट एडमिशन का फी ज़्यादा तो नहीं, फिलहाल 6 महीने का चलिए 10,000। 10,000 ओनली? आप लोग का ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या प्राइवेट? ये तो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, सरकार ने मान्यता दी है। वाह वाह, तो इसीलिए शायद कम है ना, 6 महीने के लिए ओनली 10,000। बहुत ही जबरदस्त, गवर्नमेंट को भी। और उसी में खाना वगैरह सब कुछ फ्री रहता है क्या? खाना भी ना सब। वाह, खाना वगैरह भी फ्री रहता है भाई, नाश्ता रहता है, जबरदस्त सुबह में नाश्ता मिलता है। एड्रेस बता दीजिए कहाँ पे? ये थाना में बेड़ेकर कॉलेज के पास ही है। और दोपहर में 1 से 12 बजे 12:30 बजे खाना मिलता है, शाम को 1 टाइम नाश्ता भी रहता है और खाना भी मिलता है। वाह जबरदस्त। और लड़के लड़कियाँ 3-4 घंटे तक पढ़ाई करते हैं, अलग अलग मतलब जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं टीचर, अलग अलग टीचर हैं, मैथ का अलग है, रीजनिंग का अलग है, और जीके का अलग है, सब अलग अलग है। कितना टीचर है सर? वो टीचर 4 टीचर है, चार टीचर, और ग्राउंड का कोच 2 है।
ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, फिर मिलेंगे हम तो सुबह में पूरा मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते रहता हूँ, फिर मिलेंगे कभी कॉल मिलेंगे, तो अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू सर, बाय 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 बाय। जिसको अगर चाहिए कि कोई इच्छुक हो कहाँ से भी जिसको आना है, हमारा नंबर है 7045111351। थैंक यू सर, डेफिनेटली आइए, कॉन्टेक्ट कीजिए सर के साथ। तो बस आज का वीडियो यहाँ पे रोक रहा हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, लव यू गाइस, लव यू ऑल। Down, up, down, hold 8.